अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो प्रोडक्ट शेयर करूँगी, दोनों एक ही ब्रांड की। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बाय मजेगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्हाइटनिंग क्रीम शेयर करती हूँ। ये डे टाइम की व्हाइटनिंग क्रीम है। ये मैंने ली थी जब मैंने इसमें SPF 30 देखा था। मैंने पहले भी कितनी बार आपको बताया, जब मैं घर में होती ना तो मैं SPF 30 20 ये यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं अपने फेस को ज़्यादा सन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट देती हूँ, अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करती हूँ। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो मुझे कमेंट आए थे कि आप इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं कि हमें डे टाइम के लिए भी कोई वाइटनिंग क्रीम मिले जो SPF भी दे और हमारी स्किन को वाइटनिंग भी दे, मीन्स के स्किन पे से जो डिस्कलरेशन होती है, डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम के पेज से ली थी। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे टैग भी की हुई है दोनों प्रोडक्ट। यहाँ पे आइजिक एडवांस ब्राइटनिंग क्रीम SPF 30 के साथ आपकी स्किन को रेडियंट ग्लो देती है ये क्रीम। ये इसके क्लेम है। आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन भी देती है SPF 30 के साथ। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स वगैरह भी है तो उसको रिमूव करती है। आपके स्किन को, स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करती है। ऑल स्किन टाइप है। ओपन करने पे ये हमें इस तरह की रिसीव होती है। मैं यूज़ कर रही थी डे टाइम क्योंकि मैं देखना चाह रही थी SPF तो ये दे ही रही है, क्या ये हमारी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ लेके जाती है, मींस के बहुत ज़्यादा वाइटनिंग या चिट्टा गोरा। मैं इस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करती, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ खुद भी कहती हूँ और ये चीज़ मैं खुद भी इस तरह की प्रोडक्ट में खुद भी यूज़ करती हूँ कि हमारा जो कलर होता है, हमारी जो स्किन टोन होती है, उसको एक या दो गुना ब्राइटनर लाइटनिंग कर दें। स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स है, एक्नी है, उसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मैं ये डे टाइम यूज़ कर रही थी। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी टेक्सचर की बात करती हूँ और इसके ग्राम की बात करूँ तो आपको ये 25 ग्राम मिलेगी और आई थिंक ये आपको 1000 की रेंज में मिल जाएगी। मुझे इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं याद, तो वो आप इनके पेज पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स बाय की थी 2023 में और मैंने उनके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, तो ये रीजनेबल प्राइस में है, इतना मैं बता दूँ, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो ओपन करने पे भी दिखा देती हूँ। तो ये इसी तरह की वाइट कास्ट में निकलती है। अच्छा, जब मैं इसको अप्लाई करती थी ना तो हाथ पे तो इसने मेरे कोई वाइट कास्ट नहीं दी थी। अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसे इसको अपने हाथ पे अप्लाई किया, ये मेरे हाथ में बहुत आसानी से पेनिट्रेट हो गई। मीन खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्श खुशबू नहीं है। सेंसिटिव और एक्ने वाली जो स्किन होती है ना, वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय करनी है या नहीं वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा, जब मैंने इसको हाथ पे अप्लाई किया, जैसे अभी किया, तो इसने मेरे हाथ पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ी, कोई ये पील नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपने फेस पर अप्लाई किया, सबसे पहले तो इसने मेरे फेस पर वाइट कास्ट छोड़ दी, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम जब डे टाइम की प्रोडक्ट यूज़ करें ना तो वो वाइट कास्ट ना छोड़े। तो ये वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा फेस पे छोड़ती है और दूसरे नंबर पे स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करती, ठीक है। मैंने इसको मॉइस्चराइज़र के साथ भी अप्लाई किया, मींस के पहले अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती थी फिर इसको अप्लाई करती थी, लेकिन फिर भी ये वाइट कास्ट छोड़ जाती थी। सेकेंड नंबर पर बास दफ़ा तो ऐसा होता था कि मॉइस्चराइज़र के बाद जो है ना, ये पील भी होने लग जाती थी। मींस के जब मैं इसको थोड़ा सा रब करती थी ना कि वाइट कास्ट ख़त्म हो जाए, तो ये रब होने पील होने लग जाती थी, उतरने लग जाती। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन पे लाइटनिंग ब्राइटनिंग भी हो, आपकी स्किन को डे टाइम SPF भी मिले, और भी मैंने बहुत सी आप लोगों के साथ डे टाइम ऐसी क्रीम शेयर कर रखी हैं जो SPF के साथ भी हैं और आपकी स्किन पे लाइटनिंग ब्राइटनिंग का भी काम देती हैं, आप चाहो मेरे चैनल पे जाओ और जाके वहाँ पे लिखोगे ना ज़रताशा ज़र वाइटनिंग क्रीम, तो जितनी भी वाइटनिंग क्रीम है वो सारी सामने आ जाएंगी। इसके अलावा मैंने वाइटनिंग क्रीम की एक सीरीज़ बनाई हुई है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते। इनका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है इनका सन ब्लॉक। मैंने इनका सन ब्लॉक भी एक ही साथ दोनों प्रोडक्ट बाय की थी और दोनों प्रोडक्ट काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थी। ये UV फिल्टर के साथ है और SPF 60++ के साथ है। PA++ मीन्स कि ये आपके 3 से 4 घंटे या 5 घंटे बहुत आसानी से गुजार देता है, ठीक है।
तो ML की या ग्राम की बात करूँ तो इसका जो वेट है वो 30 ग्राम है। सेकंड नंबर पे आल स्किन टाइप है। थर्ड नंबर पे नॉन क्रीसी है, रिफ्रेशिंग है, लॉन्ग टर्म इफेक्टिव फार्मूला है। ओपन करने पे ये हमें इस तरह की प्रोडक्ट मिलती है ट्यूब फॉर्म में। तो ओपन करती हूँ, ये भी मैं डे टाइम ही यूज़ कर रही थी। डेफिनेटली सन ब्लॉक है तो डे टाइम ही यूज़ करना होता है। अच्छा, सन ब्लॉक में भी यही चीज़ें देखी जाती हैं कि ये फेस पे वाइट कास्ट तो नहीं छोड़ा, सेकंड नंबर पे आपके पोर्स को क्लॉक तो नहीं करता। बहुत से सन ब्लॉक होते हैं, जैसे हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, एक तो वो स्किन को ऑयली कर देते हैं, सेकंड नंबर पे फ़ौरन से आपकी स्किन पे क्लॉक जो है ना, वो पोर्स जो है वो क्लॉक होने लग जाते हैं और आपकी स्किन बम्पी होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी स्किन पे वाइट कास्ट आ जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ पे भी ये मेरे फ़ौरन से पेनिट्रेट हो गया और जैसे ही मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती थी ना, तो ये मेरे फेस पे भी फ़ौरन से बड़ी आसानी से जज्ब हो जाता था, पेनिट्रेट हो जाता था। सेकंड नंबर पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता था। थर्ड नंबर पे स्किन पे मेरे जो ऑयल आता है, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं ज़्यादातर इस तरह के प्रोडक्ट देख रही होती हूँ जो स्किन को ऑयली ना करे, स्पेशली समर सीज़न में। जैसे अभी आगे सीज़न चेंज होगा तो स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा मेरी हो जाएगी और मेरी स्किन पे एक्ने भी होने लग जाती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट करूँ जो स्किन को ऑयली ना करे, सेकंड नंबर पे आल स्किन टाइप हो। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ जितने भी प्रोडक्ट शेयर किए हैं वो हमेशा आल स्किन टाइप हो, ताकि हर लड़की इसको आसानी से ख़रीद सके और रिजनेबल प्राइस में। तो अच्छा है इनका ये सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, स्किन पे वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता, पोर्स को क्लॉग नहीं करता, आपकी स्किन को क्रीसी नहीं करता, चिपचिप नहीं आपकी स्किन को बनाता। सेकंड नंबर पे बहुत प्यारी सी, बड़ी हल्की फुल्की सी इसमें से खुशबू आती है, फ्रेगरेंस आती है, यानी कि इसमें से उस तरह की फ्रेगरेंस नहीं आती। अक्सर सन ब्लॉक में बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस डाल दी जाती है जो स्किन पे फ़ौरन से एक्नी बनने लग जाती है। तो एक्नी वाली स्किन इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, और हाईली रिकमेंडेड है इनका सन ब्लॉक, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में। मींस कि ये आपको 1000 से नीचे नीचे मिल जाएगा। प्राइस मुझे नहीं याद, प्राइस आप इनके पेज पे जाके देख लीजिएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसको टैग, दोनों प्रोडक्ट मैंने टैग किए। वाइटनिंग क्रीम जो है ना वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, ये मुझे इनकी बिल्कुल नहीं पसंद आई, ठीक है, बट इनका जो सन ब्लॉक है ये रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है, आल स्किन टाइप है, हर लड़की इसको आसानी से यूज़ कर सकती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे अगर न्यू है ना तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।